आवाज उठाएं, इससे कबल कि आपकी जबान बंद कर दीजिए। मुनज़्ज़म साजिश के तहत कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कश्मीर की एक रिसर्च स्कॉलर सफूरा जरगर जो कि हमला थी, उनको भारत ने गिरफ्तार किया है। उन्हें बदनाम जमाना तिहाड़ जेल में अब कैद किया गया है, और उसी तिहाड़ जेल में जहां पर मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की बाकियात हैं और कश्मीर के बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जिन्हें तिहाड़ जेल में कैद किया गया है। मुकम्मल वीडियो देखने से कबल आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और Twitter पर हमें फॉलो करें ताकि मुस्तकबिल में अहम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप आगाह रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर शराजी। मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूं। आवाज़ उठाएं, इससे कबल कि आपकी जबान बंद कर दीजिए। कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के खिलाफ भारत अब प्रोपेगेंडा कर रहा है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। गुज़श्ता माह ही कश्मीरी सहाफ़ी मुसर्रत ज़हरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर हमने आवाज़ उठाई। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीरी सहाफ़ी मुसर्रत ज़हरा का साथ दिया। इसके बाद अब एक और मामला आपके सामने रखता हूँ। कश्मीर की एक रिसर्च स्कॉलर सफूरा जरगर जो कि हमला थी, उनको भारत ने गिरफ्तार किया है। 10 फरवरी को कश्मीरी नौजवान 27 साल रिसर्च स्कॉलर सफूरा जरगर को भारत ने गिरफ्तार किया और उन्हें बदनाम जमाना तिहाड़ जेल में अब कैद किया गया है, और उसी तिहाड़ जेल में जहां पर मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की बाकियात हैं और कश्मीर के बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जिन्हें तिहाड़ जेल में कैद किया गया है। सफूरा जरगर को अब गिरफ्तार किया गया। सफूरा जरगर के खामद उनकी रहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सफूरा जरगर खुद हमला भी हैं और वो रिसर्च स्कॉलर हैं, एमफिल कर रही थी। इसके साथ ही जामिया मिलिया में कोऑर्डिनेशन कमेटी में मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रही थी। उनकी फैमिली का ताल्लुक कश्मीर के इलाके कश्तवाड़ से है और उनका ये मानना है कि सफूरा जरगर किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में शरीक नहीं रही। वो आवाज़ उठाती रहीं, अपने हकूक पर बात करती रहीं, एक जानदार आवाज़ थी, इसीलिए भारत को कश्मीर की कोई भी जानदार आवाज़ पसंद नहीं। सफूरा जरगर 27 साल खातून हैं जिन्हें अब तिहाड़ जेल में कैद किया गया है, उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। उन पर इल्ज़ाम यह है कि दिसंबर 2019 में जो दिल्ली में फसादात हुए थे, उनको हवा देने में सफूरा जरगर का किरदार है। यानी एक तनहा खातून ने दिल्ली में फसादात करवा दिए और भारतीय हुकूमत नाकाम रही। यानी ये इतना भूंडा इल्ज़ाम कश्मीर की नौजवान रिसर्च स्कॉलर पर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जामिया मिलिया में जो भी एहतजाज था उसमें सफूरा जरगर का हाथ था। जब जामिया मिलिया से सफूरा जरगर को गिरफ्तार किया गया तो 10 फरवरी को के से कबल भारत की पुलिस ने जामिया मिलिया में स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया था। अब सफूरा जरगर के हवाले से आपको आवाज़ उठानी होगी। कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों पर अब भारत की नज़रें हैं, उनको या फिर गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। जब तक हम हैं, हम कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, कश्मीर के काज को दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे, कश्मीर में भारत के अजायम को बेनकाब करते रहेंगे कि कैसे सिविलियन आबादी को भारत की जानिब से निशाना बनाया जाता है। और दूसरा, गुज़श्ता रोज़ कश्मीर में ही एक फेक ऑपरेशन करवाया गया और कहा गया कि कश्मीर में मिलिटेंट आए जो कि पाकिस्तान ने भेजे, जो कि एक बेबुनियाद बात है। हर 8 कश्मीरी नौजवानों या फिर 8 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी है, तो कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी फौज की मौजूदगी में, जिनकी तादाद 1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा भारतीय अफवाज की मौजूदगी में दहशतगर्द गए, उन्होंने अटैक कर दिया। इससे भारत की अफवाज की नाकामी भी जाहिर होती है, और दूसरा, सिर्फ और सिर्फ भारत कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के बाद कश्मीरियों के पर ढाए जाने वाले मुजालम का रुख दूसरी तरफ मोड़ना चाहता है। ये हम कोशिश नाकाम बना कर रहेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, आप भी आवाज़ उठाइए, इससे कबल कि आपकी जबान बंद कर दीजिए, क्योंकि आप बारी है कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों की, तो कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों को आगे बढ़ना होगा और अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की ताकत बनना होगा। आज मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहें, मुस्कराते रहें।